लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अन अकेडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और आपकी आधे घंटे की करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस की क्लास में। कुलदीप जी स्वागत है, आदर्श जी स्वागत है, आयुषी जी स्वागत है, धर्मेंद्र जी स्वागत है, धन्यवाद कुलदीप जी। शुभम जी स्वागत है, रश्मि जी स्वागत है, अजय जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, शिवानी जी स्वागत है, दीपिका जी स्वागत है। आज अभी मौर्य काल ही, कल से मौर्य काल के बाद का चलेगा। विनीत जी स्वागत है, दीपिका जी, शिवानी जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हार्डली कुछ सेकंड। सुधांशु जी स्वागत है, जय हिंद शिवानी जी, कैसी हैं आप लोग? सब लोग बताइए जरा, सब लोग काल चाल बढ़िया। अभी कुछ लोगों से तो 15 मिनट पहले ही मुलाकात हुई थी और जिनसे नहीं हुई थी बोले जरूर बताइए कि कैसा है आप सभी लोगों की पढ़ाई और सब हाल चाल। माधुरी जी, परिचय जी स्वागत है। अक्टूबर का आज है आपका, हाँ अक्टूबर का है, कल तो बताया था ना कि खत्म हो गया सितंबर, अक्टूबर होगा। फायदा जी स्वागत है, ठीक है, आज अक्टूबर का एमसीक्यू है आपका इसका। मेघा जी स्वागत है। अच्छा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता दूं कई लोगों को, तो प्लस वाली क्लास में भी बता दिया था लेकिन आप में से कई लोग प्लस वाले में नहीं है। स्वाति जी स्वागत है, राहुल जी स्वागत है, कि कल शाम को 7 बजे अपनी स्पेशल की क्लास है मैथ्स की, ठीक है, शाम को 7 बजे मैथ्स की स्पेशल की क्लास है जिसमें हम लोग एवरेज का प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोगों ने अभी अभी प्लस में पढ़ा है, ठीक है। एवरेज का हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, कल रहेगी और 8:15 वाली अपनी क्लास। अच्छा, कल करंट अफेयर वाली क्लास रखूं कि रहने दूं? रिप्लाई करिए, करंट अफेयर वाली क्लास कल रखूं कि रहने दूं? उदय जी स्वागत है, हर्षिता जी स्वागत है, रिप्लाई करिए, कल करंट अफेयर वाली क्लास रखें? अच्छा रख दें। अरविंद जी स्वागत है, आराम नहीं करने देंगे आप लोग लग रहा है मुझे, चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए बस ऐसे ही डेस्परेटली, आराम तो फिर हम लोग किया ही जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, चलिए कल रख लें क्लास, ठीक है। रेखा जी स्वागत है, तो कल हम लोगों का मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व का काल का होगा, ठीक है। नहीं कल छुट्टी नहीं है, कल 7 बजे आप सभी लोगों का एवरेज रहेगा स्पेशल में, और करंट अफेयर में कल हम लोगों का अक्टूबर का सीए रहेगा, सीए अक्टूबर का रहेगा, और जीए जो रहेगा आपका वो रहेगा मौर्य उत्तर और पूर्व गुप्त, पूर्व गलत लिख दिया, पूर्व गुप्त, ठीक है, ये रहेगा कल। अनुराग जी, राजेश जी, अमरजीत जी, सुरभि जी, आदित्य जी स्वागत है, रोज पढ़ाता हूं आदर्श जी शाम को, ये है देखिए प्लस के मैथ्स की टाइमिंग क्या है, 7 से 8 मंडे टू सैटरडे, ठीक है, ये प्लस के मैथ्स की टाइमिंग है, 7 से 8 मंडे टू सैटरडे, ये प्लस का मैथ्स इस टाइम पे चलता है, ठीक। तो जिसको भी करना है वो 7 से 8 के लिए आ जाएगा, ठीक है, शाम को ही। सरणाम गुरुदेव, आटा आधा गुथा रखा है, समय हो गया हम क्लास में आ गए, रे वाह बहुत अच्छा, सही है उदय जी कि आप लोग इतना ज्यादा डेस्परेट क्लास के लिए, बहुत अच्छा। कब से हुई है स्टार्ट सर मैथ वाली? मैथ वाली क्लास हुई है 9 तारीख से स्टार्ट आदर्श जी, ठीक है, 9 तारीख से मैथ की क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज से हम लोगों का अक्टूबर का एमसीक्यू शुरू होगा करंट अफेयर का, ठीक है, अक्टूबर का एमसीक्यू शुरू होगा करंट अफेयर का। तो बड़े हैं, तैयार है सभी लोग? जरा जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिए सभी लोग तैयार हो तो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अंगद जी, राहुल जी स्वागत है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं ना अपने वाले सिस्टम में भी लगा लूं ताकि आप लोग जब कहते हैं कि सर नहीं चल रहा तो मुझे देखना पड़ता है, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा बस, फॉर फ्यू सेकंड्स ओनली प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चलिए तो अक्टूबर का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज सभी हम लोगों के सामने अक्टूबर से रहेगा, आप तो इसको ध्यान से रखिएगा। जय हिंद राजेश जी, नहीं अनुराग जी, अक्टूबर का बोला था ना, कल तो बोल ही दिया था खत्म, ठीक है, प्रणाम अनुराग जी, खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन 15 सेकंड का सवाल आप लोगों के सामने, 15 सेकंड के लिए पोल आएगा, 15 सेकंड में आप सभी लोगों को जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच रेलवे जोन हैज लॉन्च ऑपरेशन बाय शैली टू एनहेंस सिक्योरिटी ऑफ, सॉरी सहेली, टू एनहेंस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स।
महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली शुरू की है? साउदर्न रेलवे, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे या वेस्टर्न रेलवे? और ये रहा पोल आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड राजेश जी, कुलदीप जी, अंगद जी, वेरी नाइस, अमरजीत जी, रश्मि जी, गुड। बस बाकी लोग फंस गए। सुभी जी एंड वीरेंद्र जी स्वागत है। अच्छा कोई बात नहीं अनुराग जी, चलिए ट्राई कर लीजिए आज ऐसे ही, देखते हैं आइए इसका सही आंसर क्या है। द साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज लॉन्च, अच्छा आदर जी, द साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स ड्यूरिंग देयर एंटायर जर्नी। एन ऑफिशियल सेड ऑपरेशन माई सहेली गिव्स सिक्योरिटी टू वुमेन पैसेंजर्स फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। इनिशिएटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 3 ट्रेन्स, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल सिंस सितंबर 18। अच्छा कोई बात नहीं मेघा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has launched Make Small Strong campaign in India to help support small businesses? किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में Make Small Strong अभियान शुरू किया है? Microsoft, Tesla, Amazon, Facebook या Google? ये बोल रहा आपके सामने। सुनील जी स्वागत है आपका, जल्दी सेंसर लगाइए। वेरी नाइस, अनुराग जी ने बिल्कुल सही जवाब, हर्षिता जी, राजेश जी, आयुषी जी, राहुल जी, अमरजीत जी, वेरी गुड, फायजा जी, वेरी नाइस, कुलदीप जी, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, गूगल ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया। ये देखते हैं, गूगल इंडिया ऑन सितंबर 30, 2020 अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स नेशन वाइड कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू हेल्प सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड ड्राइव डिमांड्स थ्रू कस्टमर सपोर्ट। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन इज मीन to rally support from the citizens for small businesses. The citizens can help small businesses by buying locally, leaving review and rating, and by promoting their favorite retailers on social media. This would help to generate demand for these businesses. Net show Rakul ji, jaldi se refresh kar lijiye. Asis ji, swagat hai aapka. Next question. India is going to build 100-bedded cancer hospital and a 22,000-seater क्रिकेट स्टेडियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत निम्नलिखित में से किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 20,000 सीटों वाला क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है? श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड, वियतनाम या बोथ ए एंड बी? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, राजेश जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, आदित्य जी, वेरी नाइस, अमरजीत जी, वेरी गुड। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। आयुष जी स्वागत है। इंडिया विल बिल्ड 100-bedded कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000-seater क्रिकेट स्टेडियम इन मालदीव्स अंडर द USD 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दैट वाज एक्सटेंडेड टू द कंट्री लास्ट ईयर। अ मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी टू सीट 22,000 स्पेक्टेटर विल ऑल्सो कम अप इन हल हुमैल अंडर द USD 800 मिलियन LOC। इन मार्च 2019 द एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड अ USD 800 मिलियन LOC टू द मालदीव फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द आइलैंड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नेम द कंपनी व्हिच हैज लॉन्च्ड देयर नेक्स्ट साइनस व्हीकल नेम्ड एज SS कल्पना चावला। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना अगला साइनस वाहन SS कल्पना चावला नाम से लॉन्च किया है। नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन, जनरल डायनेमिक्स, बोइंग, रेथियन या लॉकहीड मार्टिन? और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड हर्षिता जी, अमरजीत जी, सुनील जी, कम लोगों का ही सही आएगा मुझे ऐसा लगता है इसमें। कुलदीप जी वेरी गुड, फायदा जी वेरी नाइस, वेरी गुड, टाइम अप। ठीक है, तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन हैज लॉन्च्ड देयर नेक्स्ट साइनस व्हीकल नेम्ड एज SS कल्पना चावला एंड एन एंट्रीस रॉकेट फॉर द NG-14 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अक्टूबर 2, 2020 फ्रॉम पैड 0A एट अ मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस सपोर्ट इन वर्जीनिया। दिस कैप्सूल विल डिलीवर थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स पाउंड्स ऑफ इक्विपमेंट, क्रू सप्लाइज एंड साइंस टू ISS। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल whose new version
800 किलोमीटर रेंज हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर रिसेंटली इन इंडिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। उस परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम बताएं जिसका नया संस्करण 800 किलोमीटर रेंज हाल ही में भारत द्वारा ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि 1, K5, K6, शौर्य या वैलियंट, और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड राजेश जी, अजय जी, अमरजीत जी, रश्मि जी, शिवानी जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, धर्मेंद्र जी, आदित्य जी एंड शुभे जी, इतने सारे लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया। 48% लोगों ने सही जवाब दिया। टाइम अप, आई आंसर देखा जाए। दीक्षा जी स्वागत है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सौर्य मिसाइल ऑन अक्टूबर 3, 2020 फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। द मिसाइल कैन स्ट्राइक टारगेट एट अराउंड 800 किलोमीटर। दिस हैज बीन लॉन्च्ड अमिड द ऑनगोइंग टेंशंस एट इंडियन चाइना बॉर्डर। इट इज अ canister launched hypersonic surface to surface tactical missile. This missile has been developed by the Indian Defence Research and Development Organisation and Indian Armed Force uses it. Range of the missile is 700 to 1900 kilometers and it can carry a conventional or nuclear warhead payload of 200 kg to 1 ton. Next question. In which state UT PM Modi has inaugurated world longest highway tunnel, Atal Tunnel? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आर लद्दाख, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड ओडिशा। ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, परिचय जी, राजेश जी, दीक्षा जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, अमरजीत जी, इसमें कैसे गलत कर सकते हैं आप? बस इतने ही लोग, बाकी गड़बड़, बाकी लोगों ने गड़बड़ सरबड़ कर दिया। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अटल टनल इन मनाली। इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एंड इज नेम्ड अटल टनल। रोहतांग, द 9.02 किलोमीटर लॉन्ग इंजीनियरिंग मार्वल कनेक्ट्स मनाली इन हिमाचल प्रदेश टू लाहौल स्पीति थ्रू आउट द ईयर। The Atal Tunnel has huge strategic significance as it will greatly assist in the movement of armed force. Atal Tunnel or the Rohtang Tunnel has been built in the Pranjal range of Himalayas. The tunnel is located in an altitude of 10,000 feet from the mean sea level. The tunnel is set to reduce road distance by 46 kilometers between Leh and Manali. Shivani ji, swagat hai aapka. Next question. Who among the following has received Nobel Prize 2020 in medicine? For the discovery of hepatitis C virus. निम्नलिखित में से किसे hepatitis C virus की खोज के लिए चिकित्सा में नोबल पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? Options are Harvey J. Alter, Michael Hogton, Charles M. Rice या all of the above या both A and B, और ये रहा पोल आपके सामने। शिवजी स्वागत है आपका। Very good राजेश जी, उदय जी, दीक्षा जी, शिवानी जी, अनुराग जी, माधुरी जी, very nice. राहुल जी, रश्मि जी, अमरजीत जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तभी अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा लोगों ने ही आंसर दिया है। अरुण जी स्वागत है। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं क्या है। The 2020 Nobel Prize kicked off Monday with the naming of the winners in the field of psychology or medicine. Psychology नहीं, physiology, ठीक है? The 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Hogton and Charles M. Rice for the discovery of hepatitis C virus. The announcement was made on 5 October 2020 at the Nobel Forum at Karolinska Institute of Stockholm. अच्छा, चलिए अभी पता चल गया ना। Very good राजेश जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, परिचय जी, राजेश जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, शिवानी जी, राहुल जी, आयुष जी, अंगद जी, फायदा जी, आदित्य जी, सुमी जी, राहुल जी, रश्मि जी, रेखा जी, अमरजीत जी, माधुरी जी एंड अशोक जी। वेरी गुड धर्मेंद्र जी, वेरी नाइस। दीक्षा जी, गुड।
टाइम अप। आइए देखा जाए कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 5 ग्लोबली टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द वर्क ऑफ एजुकेटर्स इंक्लूडिंग टीचर्स रिसर्चर्स एंड प्रोफेसर्स वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन इंटरनेशनल थीम 2020 टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिंग एंड फ्यूचर रीइमेजिंग द फ्यूचर। आपका डे है सर, कैसे भूल सकते हैं। अच्छा आई एम जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द एआईज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। कौन सा हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, कैंपवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु या पुडुचेरी एयरपोर्ट। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड राजेश जी, शिव जी एंड फायजा जी, कुलदीप जी, रेखा जी, गुड अमरजीत जी, वेरी नाइस। 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है, वेरी गुड धर्मेंद्र जी। टाइम अप, देखते हैं ये क्या है सही आंसर। द पुडुचेरी एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई व्हिच इज एंटायरली सोलर पावर्ड। द 500 किलोवाट पावर ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट वाज कमीशन्ड ऑन 2 अक्टूबर 2020। द अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 2.8 करोड़। अभय जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज एग्रीड टू ऑपरेशनलाइज द सिटवी पोर्ट इन द रखीन स्टेट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत रखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह के संचालन के लिए सहमत हो गया है। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार। और ये रहा पोल आपके सामने। माधुरी जी एंड हरजिंदर जी स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग। वेरी गुड राजेश जी, परिचय जी, मेघा जी, दीक्षा जी, फायजा जी, राहुल जी, रश्मि जी, अजय जी, वेरी नाइस। और कोई, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, वेरी गुड। टाइम अप, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैव नोटिफाइड दैट इंडिया एंड म्यांमार हैव एग्रीड टू ऑपरेशनलाइज द सिटवी पोर्ट इन द रखीने स्टेट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर अ 2-डे लॉन्ग विजिट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम एम नरवाने एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला टू म्यांमार ऑन अक्टूबर 4-5, 2020। बोथ साइड्स अग्रीड to strengthen their connectivity projects, capacity building, power and energy partnership. They agreed to deepen economy and trade ties. Next question. Who among the following has received Nobel Prize 2020 in physics for black hole research? निम्नलिखित में से किसे ब्लैक होल अनुसंधान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? एंड्रेस गेज, रेनहार्ड गेंजेल, रॉजर पेनरोज, ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। और ये रहा पोल आपके सामने। ऑप्शंस तगड़े हैं इस बार। राजेश जी, उदय जी, परिचय जी, शिव जी, हरिंदर जी, हर्षिता जी, रश्मि जी, आदित्य जी, राहुल जी एंड कुलदीप जी, वेरी गुड। मेघा जी, वेरी नाइस। आयुष जी, गुड। टाइम अप, तो सही आंसर क्या है इसका। द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवार्डेड जॉइंटली टू रॉजर पेनरोज, Reinhard Genzel and Andries Geza. A panel at the Karolinska Institute of Stockholm announced the recipient of 6 October. The award has in the past honored discoveries about the tiniest spike of the particles and the vast mysteries of outer space. While one half of the Nobel was awarded to Penrose for his discovery on black holes, the other half was jointly awarded to Genzel and Geza for the discovery of a supermassive compact object at the center of the galaxy. अच्छा उदय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु हैज बीन गिवन द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आदित्य पुरी, शांतनु नारायण या आनंद महिंद्रा। और ये रहा पोल आपके सामने। वेरी गुड राजेश जी, दीक्षा जी, अजय जी, अंगद जी, रश्मि जी, अमरजीत जी, सुरभि जी, वेरी नाइस। आदित्य जी, गुड। वेरी गुड, बिल्कुल सही इतने लोगों का। ये देखते हैं, द इंडियो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स हैज प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू बिजनेस आइकन रतन टाटा एज पार्ट ऑफ इट्स रिसेंट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। द आईएसीसी लीडरशिप बिस्टोड
ICC Lifetime and Global Excellence Award to Tata on 3rd October. The Tata Group to nearly $100 billion by 2011-12 remains an influential industry philanthropist and humanitarian to all the day, IACC said. Next question. Name the IPS officer who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security. उस IPS अधिकारी का नाम बताइए जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. अरविंद रंजन, एम ए गणपति, आनंद प्रकाश महेश्वरी, राजेश रंजन या पी एस रनित से. और ये रहा बोल. अरे राधेश्याम जी स्वागत है. कुलदीप जी क्वेश्चन दे चुका था मैं, सॉरी आपका मैसेज आ रहा. सुबह जी न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे बेस्ट कोई नहीं होता. ठीक है, न्यूज़पेपर को ही पढ़िए और बैक साइड में जाइए तो फिर आपको मैगजीन लेनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर से ही पढ़िए और खुद का नोट्स बनाइए करंट अफेयर. The senior IPS officer M.A. Ganapathy has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security. He is a 1986 batch IPS officer of Uttarakhand cadre. The post of BCA SG fell vacant after Rakesh Asthana was appointed as the Director General of Border Security Force in August. ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, राकेश अस्थाना वाला भी याद होगा आप लोगों को. Next, who among the following has received 2020 Nobel Prize in Chemistry for developing Genome Editing Method? जन्मो संपादन विधि विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में 2020 का नोबल पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आर इमैनुएल चारपेंटियर, जेनिफर ए डोंडा, जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनले वाइटिंगम या बोथ ए एंड बी. और ये रहा पोल आपके सामने. सात्विक जी स्वागत है, वेरी गुड. उदय जी, राजेश जी, शिव जी, मेघा जी, दीक्षा जी, रेखा जी, परिचय जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, फायजा जी, सुभी जी, अंगद जी, शिवानी जी, अरुण जी, रश्मि जी, हर्षिता जी, माधुरी जी एंड आदित्य जी. वेरी गुड शिवानी जी एंड कुलदीप जी, वेरी नाइस. चलिए अभी तो आपका आया पोल पे कुलदीप जी आंसर, अभी आ गया ना. अच्छा पीछे के नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लिया करिए तुरंत. The 2020 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Donda for the development of a method from genome editing. Donda is the director of the Max Planck unit for the science of pathogens in Berlin. She was born in 1964 in Washington, D.C., USA. Carpenter was born in 1968 in Jussy-sur-Orge, France. She completed her PhD from Institut Pasteur in Paris. अच्छा अनुराग जी. नेक्स्ट, इन विच स्टेट आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली. हाल ही में किस राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु. ये रहा बोल आपके सामने. वेरी गुड उदय जी, अनुराग जी, आयुषी जी, राहुल जी, माधुरी जी, वेरी नाइस. अमरजीत जी गुड, हर्षिता जी वेरी नाइस, कुलदीप जी वेरी गुड. टाइम आप, चलिए सही आंसर देखते हैं. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 8, 2020 अ न्यू सायरोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट दैट हैज बीन कमीशन्ड बाय आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स. दिस इज द बिगेस्ट प्लांट इन द स्टेट एंड विल हेल्प टू सप्लाई ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल. दिस इज द अल्ट्रा हाई प्योरिटी एयर सेपरेशन प्लांट. इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 150 टन्स पर डे. इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गाजियाबाद, मोदी नगर. सही बात है उदय जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया हम लोगों का करंट अफेयर. 15 क्वेश्चन हो चुके हैं करंट अफेयर के. अब हम लोग आएंगे जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू पर. हेमलता जी स्वागत है आपका. तो जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू पे जाने से पहले आइए देखते हैं कौन अपनी पोजीशन कहां पे बनाए हुए है. राजेश जी फर्स्ट पे है, अमरजीत जी सेकंड पे है, कुलदीप जी थर्ड पे है, फोर्थ पे फायदा जी, फिफ्थ पे रश्मि जी हैं, सिक्स पे उदय जी, सेवंथ पे आदित्य जी, एट पे परिचय जी, नाइन्थ अनुराग जी और टेंथ पे दीक्षा जी हैं. बहुत अच्छा है अभी तक. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के चैप्टर्स में यानी कि एमसीक्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस मौर्य काल में कौन अपनी पोजिशन को कहां बनाता है. तो रेडी है सभी लोग जनरल अवेयरनेस के लिए? मिताली जी स्वागत है आपका, जल्दी जल्दी थम्सअप कर दीजिए. सभी लोग रेडी है जनरल अवेयरनेस के लिए? जल्दी से थम्सअप, वेरी गुड. चलिए अच्छा है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बहुत ही जल्दी से लगाते हैं मौर्य काल के बारे में पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारी का नाम बताता है? Who among the following names the official of the Mauryan administration in descending आदेश descending orders? प्रादेशिक राजुक युक्तक राजुक युक्तक प्रादेशिक प्रादेशिक युक्तक राजुक युक्तक प्रादेशिक राजुक descending order मतलब बड़े पोस्ट से छोटे पोस्ट की ओर जाना है हम लोगों को। 16वां क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अरे वाह वेरी गुड परचा जी, उदय जी, अजय जी, धर्मेंद्र जी, शुभी जी, शिवानी जी, सुरभि जी, रेखा जी, राहुल जी एंड अमरजीत जी, वेरी गुड। वेरी नाइस, चलिए टाइम अप। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है प्रादेशिक राज्यों की। अच्छा न्यू क्वेश्चन है, चलिए कुलदीप जी। 17 विष्ट है, विष्ट क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला, ये रहा पोस्ट आपके सामने। वेरी गुड उदय जी, परिचय जी, धर्मेंद्र जी, अरुण जी, राधे श्याम जी, आदित्य जी, कुलदीप जी एंड सुबी जी, वेरी नाइस सर। ऑप्शन इंग्लिश में, हर्षिता जी मैं कोशिश करूंगा कि इनको इंग्लिश में करूं, ठीक है? मैं थोड़ा सा क्या है ना टाइम का, चलिए मैं कोशिश करता हूँ ना कि कल से ही या परसों से मंडे से इसको इंग्लिश में भी किया जाए ऑप्शंस को भी, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या है? बेगार इज द राइट आंसर। अरे ये 16 ही तो था ना। चलिए 17 क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इन द मौर्यन पीरियड सीता रिफर्स टू एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि में प्राप्त आए और उसर भूमि, ठीक है? 18 क्वेश्चन और ये रहा पोल आपका सामने। बिल्कुल हर्षिता जी मैंने तो बोला ना, निश्चिंत आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बिल्कुल किया जाएगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं इसकी। रेखा जी, उदय जी, राजेश जी, परिचय जी, शुभि जी, दीक्षा जी, धर्मेंद्र जी, सुरभि जी, शिवानी जी, कुलदीप जी, हेमलता जी, अजय जी, माधुरी जी, अमरजीत जी, राहुल जी, सुनील जी एंड हर्षिता जी एंड आनंद जी, वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब, ठीक। तो इसमें क्या है, मौर्य काल में सीता का मतलब क्या है? मौर्य काल में सीता का मतलब था राजकीय भूमि से प्राप्त आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? Which of the following is the best specimen of मौर्य कला? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? 19वां क्वेश्चन और ये रहा ऑप्शन आपके सामने। ये बहुत आसान है, गलत मत करिएगा इसमें। वेरी गुड उदय जी, शुभी जी, आयुषी जी, अरुण जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, रेखा जी, सात्विक जी, शिवानी जी, दीक्षा जी, माधुरी जी, अमरजीत जी एंड अशोक जी, वेरी गुड आयुष जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं, अर्चना जी स्वागत है आपका। तो हम लोगों को पता है कि स्तंभ सबसे ज्यादा लगे थे ना, किस राजा के है जो मैक्सिमम है स्तंभ, ये पढ़ाई करिएगा। वेरी गुड कुलदीप जी, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, अरे वाह सुरभि जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन परिचय जी, हाँ वेरी नाइस, चलिए गुड 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 गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर डू द अकाउंट्स ऑफ रिलीफ वर्क डन बाय द स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवाइन आउटब्रेक लाइक फेमाइन ड्रॉट एंड इन मौर्यन पीरियड? महास्थना बांग्लादेश, सहगोरा उत्तर प्रदेश, सहगोरा मस्की, महास्थना कालसी, भाभरू सारना, और ये रहा 20वें क्वेश्चन का पोल आपके सामने, जल्दी से लगाइए। वेरी गुड राजेश जी, धर्मेंद्र जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, रेखा जी, फायदा जी, परिचय जी, उदय जी, मिताली जी, सात्वी जी, अमरजीत जी, राहुल जी, राहुल जी, दो राहुल जी हैं दोनों लोग, एंड आयुष जी, वेरी गुड अंगद जी, वेरी गुड। वेरी गुड, आइए देखते हैं, 50% लोगों ने सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब क्या है? ये क्यों इस टाइम पे रोज रुक जाता है यार पेंटर, पूजा करानी पड़ेगी लग रहा है ना, कोई बाधा है? रुकिए मैं रिफ्रेश कर लूं जरा एक बार। अरे पूजा का नाम है, पूजा जी ने ज्वाइन भी कर लिया, वाह पूजा जी, चलिए अच्छा है, हो सकता है आप ही के बाने, और रोज इस टाइम पे देखो आप वर्क ही नहीं करेगा ये। एक सेकंड रुकिएगा,
एक सेकंड रुकिए, पहले टाइम को एक्सटेंड कर लूं, नहीं तो टाइम चला जाएगा अपना। रुक जाइए, मैं जरा माउस लगा लूं, इसको हटा ही देता हूं, वर्क नहीं कर रहा है सही से। चलिए अब करते हैं इसको सही से। ये भाई साहब भी का भी यही हाल है। तो इसका सही आंसर क्या था हम लोगों का, 20वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर था महासना बांग्लादेश या सौगोरा से। ठीक है, महासना बांग्लादेश या सौगोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के, एक ही बार नेक्स्ट होना है भाई, दो बार कहां जा रहे हो तुम। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा, whom did Ashoka send to promote Buddhism in Sri Lanka, महेंद्र संगमित्रा, ए और बी दोनों, यहां महारक्षित। ये कुछ टेक्निकल इशू है, माउस भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, बफ हो रहा है ये माउस, यहां सही से वर्क नहीं कर रहा है, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। चलिए आइए इसका आंसर लगाइए फिर देखते हैं क्या है। चलिए पैंटा भी सही हो गया, वेरी गुड। परिचय जी, अरुण जी, राजेश जी, शिव जी, शिवानी जी, फायदा जी, वेरी गुड। अरे बहुत सारे लोगों ने, 82% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। और इसका सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, मतलब महेंद्र और संगमित्रा दोनों को भेजा गया था। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, विच स्क्रिप्ट हैज बीन यूज इन लार्ज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अशोकास मानेसरा पाकिस्तान एंड शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी। 22वां क्वेश्चन और ये रहा पोल आपके सामने, वेरी गुड। उदय जी, राजेश जी, परिचय जी, दीक्षा जी, अरुण जी, अनुराग जी, शुभी जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, शिवानी जी, फायजा जी, रश्मि जी, सुरभि जी, माधुरी जी, रेखा जी, माधुरी जी, आदित्य जी, अमरजीत जी एंड सुनील जी, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है, संध्या जी स्वागत है आपका। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, खरोष्ठी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कहां से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेखों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, फ्रॉम वेयर डिड अशोकास बाइलिंगुअल ग्रीक एंड अरामाइक रिकॉर्ड्स केम फ्रॉम, सर एकुना, कंधार, मनसेहरा, कालसी या कलिंग। और ये रहा पोल आपके सामने 23वां का, वेरी गुड। रेखा जी, आदित्य जी, राजेश जी, शिव जी, धर्मेंद्र जी, परिचय जी, फायजा जी, उदय जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, शिवानी जी, सुरभि जी, अर्चना जी, अमरजीत जी, राहुल जी, सुनील जी, वेरी गुड। टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है हमारा सर एकुना कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, हाउ मेनी ट्रिब्यूनल्स इज अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाय कौटिल्य डिवाइडेड इनटू, 11, 12, 14 या 15। 24वां क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। वेरी गुड, रेखा जी, धर्मेंद्र जी, उदय जी, अनुराग जी, कुलदीप जी, रश्मि जी, माधुरी जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, गुड 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 गुड, वेरी गुड। टाइम अब, तो सही आंसर क्या है इसका, 15 में अधिकरणों में विभाजित था ये। 25th क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग से में शामिल थे, सप्तांग मेंशन इन अर्थशास्त्र इंक्लूडेड राजा, क्षेत्र प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, मंत्री, असन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी, राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। और 25वें क्वेश्चन का पोल ये रहा सामने, वेरी गुड। उदय जी, राजेश जी, शिव जी, परिचय जी, धर्मेंद्र जी, शिवानी जी, आयुषी जी, सुरभि जी, माधुरी जी एंड अमरजीत जी, वेरी नाइस, बहुत कम लोगों का लेकिन सही जवाब है इसमें। और सही आंसर इसका क्या है, राजा, क्षेत्र प्रशासन एवं कोष शामिल थे। आइए आखिरी के 5 क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था, अशोकास कंटेम्पररी तुर्मय वाज द किंग ऑफ मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया। 26 क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने, वेरी गुड। उदय जी, कुलदीप जी, धर्मेंद्र जी, शिवानी जी, परिचय जी, माधुरी जी, सुरभि जी, राजेश जी, आयुषी जी, अमरजीत जी एंड राहुल जी, वेरी नाइस,
अप। ठीक है, तो कहां का था भाई ये? मिस्र का था। ठीक है, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? इन हुज रीजन द डिमेकस कम्स टू इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अकोसो या कनेक्स? ये रहा पोल आपके सामने। परिचय जी, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, सुरभि जी, रश्मि जी, दीक्षा जी, अर्चना जी, शिव जी, उदय जी, राधेश्याम जी, राहुल जी एंड अमरजीत जी, इतने लोगों ने 46% लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। अनुराग जी वेरी गुड, आयुष जी वेरी नाइस, टाइम अप। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? बिंदुसार, बिंदुसार के समय में आया था। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेखन हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका इज मेंशन? गुजरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिरी में या सारनाथ में? 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने। जल्दी जल्दी लगाइए पोल पे, हियर गोज द पोल। उदय जी, परिचय जी, आयुषी जी, दीक्षा जी, शोभी जी, धर्मेंद्र जी, कुलदीप जी, सुरभि जी, अनुराग जी, रेखा जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, रश्मि जी, गुड, टाइम अप। ठीक है, आरएसएम जी स्वागत है, विवेक जी स्वागत है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप लोग। तो सही आंसर इसका क्या है? गुर्जरा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रणाम प्रणाम विवेक जी। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ मौर्य एम्परर अशोका? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या महावंश? बोल आपके सामने। वेरी गुड सात्विक जी, बिल्कुल सही और बहुत पहले जवाब दिया। अमरजीत जी वेरी नाइस, राधेश्याम जी वेरी गुड, विवेक जी गुड, टाइम अप। तो सही आंसर क्या है इसका? महावंश। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन मेंशन रानी अशोका, किंग अशोका एज ए स्टोन स्कल्पचर ऑफ अशोका? कंगनहल्ली, सांची, सहवाजिमगढ़ी या सोहगौरा? और ऑप्शन ये रहे आपके सामने। वेरी गुड परिचय जी, सात्विक जी, अनुराग जी, आयुषी जी, अमरजीत जी, वेरी नाइस, रेखा जी गुड, बस बाकी लोग फंस गए। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका कंगन हल्ली इज दी राइट आंसर। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू। कल मैंने आपको बताया है कि सीए हमारा अक्टूबर का ही रहेगा और जीए हमारा मौर्य उत्तर और पूर्व गुप्त काल का रहेगा। ठीक है, और कल इस प्लस की क्लास कल नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे ही चलती है क्लास। तो कल हमारी 7 बजे स्पेशल की क्लास होगी एवरेज की। ठीक है, कल 7 बजे एवरेज की स्पेशल की क्लास होगी हम लोगों की। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, उसके पहले आइए देख लेते हैं शेयर, अपना लीडर बोर्ड हम लोग देख लिया जाए। अमरजीत जी फर्स्ट पे हैं, राजेश जी सेकंड पे, थर्ड पे उदय जी, फोर्थ पे कुलदीप जी, फिफ्थ पे परिचय जी हैं, सिक्स पे धर्मेंद्र जी, सेवन पे अनुराग जी, एट पे रेखा जी, नाइन पे रश्मि जी और टेन पे फायदा जी हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल शाम को 7 बजे स्पेशल में मैथ्स के हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।